हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की बसंत मनाने की इजाज़त के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, अमीनुद्दीन खान ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी, IG, CCPO लाहौर और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने तमाम फरीकैन से 26 दिसंबर को तहरीरी वजाहत भी तलब कर ली है। दरख्वास्त गुजार के वकील सफदर शहीन पीरजादा ने अदालत में ये मौकफ इख्तियार किया था कि पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर बसंत मनाने की इजाजत दी और ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अदालत पंजाब हुकूमत के जो वज़रा हैं जिन्होंने ये ऐलान किया है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। तो अब इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। 26 दिसंबर को अदालत ने पंजाब हुकूमत से अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली है। ठीक है, तमाम फरीकैन से तहरीरी वजाहत तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक आपका।